नमस्कार। संधि की यह दूसरी सीरीज है। अभी तक हमने दीर्घ गुण और वृद्धि संधि पढ़ी। आज सबसे सरल तरीके से केवल 5 मिनट में छोटी सी ट्रिक के साथ यण संधि कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी संधि होगी तो 2 शब्द होंगे और 2 शब्द में पहले शब्द के अंत में क्या है, दूसरे के प्रारंभ में क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए और यही यण संधि में है। अब यण संधि के अंत में क्या होना चाहिए और दूसरे शब्द के शुरू में क्या होना चाहिए, ये हमको समझना है। तो यण संधि कहती है कि मेरे पहले शब्द के अंत में इको होना चाहिए। ये इको मतलब क्या है, प्रत्याहार के हिसाब से चलेंगे तो इक का मतलब है ई, ऊ, री। ये 3 पहले शब्द के अंत में होना चाहिए। ये बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ई जो है बड़ी भी हो सकती है, ऊ बड़ा भी हो सकता है, री भी बड़ी हो सकती है। खास बात ध्यान ये रखना है कि मान लो मैंने एक शब्द लिखा पढ़ाई, तो आप कहेंगे पढ़ाई के अंत में ई है, तो यहां पर यण संधि का नियम लगेगा का नहीं। यण संधि कह रही है मेरे पहले शब्द के अंत में ऐसा ही नहीं, इसकी मात्रा यानी इसकी जगह क्या होना चाहिए, ये मात्रा होनी चाहिए। ये छोटी भी हो सकती है या फिर ये मात्रा बड़ी भी हो सकती है। ये ऊ की मात्रा होनी चाहिए, छोटी भी हो सकती बड़ी भी। ये री की मात्रा होनी चाहिए, मतलब सीधा स्वर नहीं, उसकी मात्रा चाहिए। तो पहले शब्द के अंत में ई मात्रा हो या इस ऊ की मात्रा हो या इस री की मात्रा हो। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप मैं यहां लिखूंगा। दूसरा स्टेप कह रहा है कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी भिन्न स्वर हो। स्वर, ये भिन्न स्वर से क्या मतलब है, भिन्न स्वर से मतलब है मान लो पहले शब्द के अंत में ई है अर्थात ई की मात्रा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर होना चाहिए और वो स्वर कैसा हो, भिन्न हो। अर्थात पहले के अंत में ये ई की मात्रा है तो दूसरी तरफ आ हो, ऊ हो, री हो, कोई स्वर हो पर वो भिन्न हो। जैसे उदाहरण लिखा, प्रति के अंत में क्या है, ई है अर्थात ई की मात्रा है, दूसरी तरफ क्या है, ए, जो कि एक स्वर है परंतु भिन्न स्वर है। तो यहां पर पहला स्टेप भी लग गया और ये दूसरा स्टेप जो भिन्न स्वर वाला ये भी लग गया। ऐसा होने पर यण संधि कहती है कि इस एक को अर्थात इन पूरों को क्या बना दीजिए, आप यण बना दीजिए। ये अची अर्थात स्वर सामने होने पर, अर्थात पहले शब्द के अंत में ई है, ऊ की मात्रा है या री की मात्रा है और दूसरी तरफ अचि अर्थात स्वर है, तो इस इक को यण बना दो। इक को यण कैसे बनाना है, तो कह रहे हैं इस ई की मात्रा को छोटी हो चाहे बड़ी हो आप केवल आधा या बना दो, और अगर ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा हटा दो और उसको क्या बना दो, आधा वा बना दो, आधा वा ध्यान रखना है, और यदि री है तो उसको हटा दो और क्या बना दो, आधा रा बना दो। इतना सिंपल है, ऐसा करना है और ऐसा करने के बाद जोड़ देना है तो ये हो जाएगी यण संधि। उदाहरण यही लिखा हुआ, इसी को देखते हैं। मान लो मैंने प्रति की ई हटा दिया तो क्या बचेगा, ये प्रति का ई हटा दिया तो ता आधा बचा। ई का क्या बनाना है मुझे, इस ई का क्या बनाना है, या, तो ये मैंने या बना दिया, आधा या। अब आधे या में ए मिलाइए तो ए मिलाने पर प्रत्यय हो गया और ये का आ गया। इस प्रकार से बड़ा सरल है, केवल ई को हटाना है और ई के स्थान पर आधा या लाना है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा अति धन अंत, अति धन अंत। अब अति के अंत में क्या है, ई, ई हटाओगे तो क्या बचेगा, ताधा बचा। ई का क्या बनाना है, आधा या, आधे या में आ मिलाएंगे तो ये अत्यंत हो गया। इस प्रकार से ये तो ई वाला हुआ। अब हम देखते हैं ऊ वाला। ऊ वाला कैसे बनेगा, मान लो कोई शब्द है जिसके अंत में है ऊ, जैसे हमने लिखा सु धन अस्ति, टूटा हुआ है इसको जोड़ते हैं, ठीक है। सु का आ ले ली, ऊ ले लिया तो ये सा बचा, ऊ ले लिया, और ऊ का क्या बनाना है हमको, आधा वा, ये हमने आधा वा बना दिया। आधे वा में अस्ति का आ मिलेगा तो ये वा पूरा हो गया और ये बन जाएगा स्वस्ति। और जो प्रसिद्ध उदाहरण है जैसे स्वागत, तो उसमें क्या क्या शब्द है, सु धन आगत। अब इसको आप जोड़िए,
सु का ऊ ले लेंगे तो सा आधा बचेगा, ऊ का क्या बनाएंगे आधा वा बनाएंगे, ये आधा वा, ये आधा वा हलंत लगी है, आधे वा में अभी आ मिलाएंगे तो वा पूरा हो गया और गत ये बन गया स्वागत। इस प्रकार से संधि चलेगी। ये तो ई का और हमने ऊ का देखा, इसको तोड़ना भी आना चाहिए। मान लो ये स्वागत लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वा जो बन गया है ये ऊ का बन गया है, तो ऊ फिर से दे देंगे तो सु हो जाएगा और आगत चला जाएगा। अर्थात वा कैसे बना है आपको पता होना चाहिए। बोले वा अलग करो और वा को फिर से ऊ बना दो, तो ये जुड़ा हुआ तो उसको तोड़ना भी आना चाहिए। तो ये ऊ का देखा। अब हम देखते हैं री का। मान लो किसी शब्द के अंत में री है और दूसरे तरफ कोई भिन्न स्वर है तो उसको बनाइए। जैसे ये लिखा मात्री और दूसरी तरफ लिखा है आज्ञा, मात्री के अंत में क्या है ये री ऋषि है अंत में, ये देखो ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल। ये कह रहे हैं इसका ले लो, तो ये मात्री का री ले लिया तो ताधा बचा, ताधा बचा, और री का क्या बना दिया हमने रा बना दिया, ये आधा रा बना दिया। एक नियम है वर्णों में आधा ता और आधा रा मिलकर के क्या बनता है त्रा बनता है, पर ये त्रा भी कैसा रहेगा आधा हलंत रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम मा आधा ता और आधा रा मिलकर आधा त्रा बना, आधे त्रा में आज्ञा का आ मिला तो ये त्रा पूरा बड़ा हो गया और ये मात्राज्ञा बन गया। ऐसे ही जैसे एक और लिखूं मैं पित्री धन अनुमति, अनुमति का मैं केवल अनु लिख रहा हूं, री ले लेंगे तो ये आधा बचेगा हलंत बचा और री का बना दिया आधा रा, ता और रा मिलकर के त्रा बन गया तो बराबर क्या बनेगा पी त्री और ये आत्रा में मिल गया तो त्रा पूरा हो गया और ये अनु पित्र अनुमति। इस प्रकार से यण संधि में ई का बनाना है आधा या ऊ का बनाना है आधा वा और री का बनाना है आधा रा। यण संधि हो गई, आशा है आपको समझ में आई होगी। पुनः मिलेंगे, नमस्कार।